नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। अगर कोई पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहा है या फिर देखने की कोशिश कर रहा है तो कृपया करके मत देखिए और यहीं से ही उल्टे पैर वापस चले जाइए, वरना आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके नाक, कान और शरीर के बाकी सभी छेद से खून निकलने का आसार बना हुआ है। आपके खून के आंसू निकल सकते हैं, उल्टी हो सकती है या फिर टट्टी भी हो सकती है। मैं गारंटी देता हूँ, उसको जो भी पाकिस्तान से देखेगा वो डिसलाइक मारने वाला है। तो हमारे तरफ से दबाव बना रखना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, तो लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा, सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्जी है। तो आज हम पाकिस्तान की आन बान और शान, द वन एंड ओनली JF-17 थंडर, जो कि असलियत में है कि कूड़ा कचरा और ब्लंडर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उतना ही रहने दो वरना एक राउंड से इंट्रो महंगा हो जाएगा। वैसे पाकिस्तान और हर एक पाकिस्तानी को इस पर काफी गर्व होता है क्योंकि ये पाकिस्तान का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है। वो बात अलग है कि इसको पूरी तरीके से चाइना ने डेवलप किया है और आज भी इनको चाइना की तरफ से ही बनाया जाता है। बस पाकिस्तान में इनको पेंट करने के लिए लाया जाता है और जाहिर सी बात है कि जो पेंट होता है उसको भी चाइना में बनाया जाता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की साफ सफाई करना, हैंगर में झाड़ू पोछा लगाना, इसमें फ्यूल वगैरह भरना और टायर में पंक्चर हो जाए तो उसको ठीक करना, ये सब पाकिस्तान में किया जाता है। और शायद पाकिस्तान की डिक्शनरी में इन सभी चीज़ों को अगर एक ही वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको इंडिजिनस कहा जाता है। और पाकिस्तान को और हर एक पाकिस्तानी को इस रूहानी फाइटर जेट पर गर्व होने का सबसे बड़ा कारण यह कि थानोस के मदरशिप्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता पूरे धरती में सिर्फ इसी एयरक्राफ्ट में ही मौजूद है, क्योंकि बाकी एयरक्राफ्ट एक लिमिटेड हाइट तक ही उड़ान भर सकते हैं, लेकिन ये एक इंटरगैलेक्टिक एयरक्राफ्ट है जिसमें वॉर्प ड्राइव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये लाइट से भी ज्यादा रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, आप इसके अंदर बैठ के ब्लैक होल में अंदर घुस सकते हैं और उससे बाहर भी निकल सकते हैं। इसके अंदर बैठ के अपने कुरेशी भाई और अपने इमरान भाई एंड्रोमेडा गैलेक्सी में गए हुए थे और विशेष सूत्रों से पता लगा कि वो यहाँ पर जादू की प्लैनेट में लैंड किए थे और उसके बाद वहाँ पर जादू की प्लैनेट के हायर ऑफिसर के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिसमें स्पीच देते हुए अपने कुरेशी भाई ने बताया था कि भारत की तरफ से अभी कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया जा रहा है और उनके ऊपर अभी एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को करने की प्लानिंग किया जा रहा है। अब वर्ल्ड फोरम में यानी कि यूनाइटेड नेशन में कोई उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा, जिस वजह से वो अभी यूनिवर्सल फोरम में जाके भारत के खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मजाक बहुत हो रहा है तो और मजाक नहीं करेंगे। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? तो अभी सीरियस टॉपिक पर बात करते हैं। अबे साले, मत करो, रन लो, थोड़ा मूड खराब कर दिया। दो चार दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से जब 14 JF-17 ट्विन सीटर वेरियंट को अपनी एयरफोर्स में शामिल किया गया तो पाकिस्तान की जो जनता थी वो काफी खुश हो गए थे और इतना खुश हो गए थे कि बिना वीजा के इधर आ गए थे और JF-17 को राफेल का काउंटर बता रहे थे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। उस दिन मैंने आपको बताया था कि JF-17 के साथ अगर हम राफेल को कंपेयर करेंगे तो ये एक तरीके से राफेल की इंसल्ट होने वाली है और इससे राफेल को बुरा लगने वाला है। और सच में अगर राफेल एक इंसान होता तो बोलता, अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से राफेल के साथ JF-17 को कंपेयर किया जाता है तो उनका पहला तर्क यही होता है कि राफेल काफी महंगा है और JF-17 सस्ता है, जिस वजह से हम एक राफेल की प्राइस के अंदर 3 से 4 JF-17 को तैयार कर सकते हैं। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये बात पूरी तरीके से सच है। और कितना सच है अगर ये बताने के लिए एक एग्जांपल दें तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऑडी मुझे पसंद नहीं है, मैं उसकी जगह में 10-12 मारुति ले सकता हूँ। समझ रहे हो ना? बाकी आप समझदार हैं। तो हाल ही में ही पाकिस्तान की एयरफोर्स में जो JF-17 शामिल किए गए थे उनके कुछ इमेज अभी वायरल हुए थे और इमेज आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे फॉरवर्ड भी किया था। अगर आप गौर से देखेंगे तो JF-17 की कैनोपी को फोल्ड करने के लिए या उठाने के लिए जो हिंजेस का इस्तेमाल किया गया वो कुछ अजीब तरह के, वैसे इसको अजीब तो नहीं कह सकते हैं लेकिन ये काफी जाना पहचाना सा लग रहा है। हमारे घरों के डोर में भी शायद ऐसे ही हिंजेस का इस्तेमाल किया जाता है और इनकी कीमत अभी अमेजोन में 350 से 400 के बीच बताया जा रहा है, लेकिन आज शाम को जब मैं सब्जी लेने के लिए मार्केट गया था तो हार्डवेयर स्टोर में जाके पूछ रहा था, वो इसे 4 इंचेस का 150 रुपया बता रहे थे। फिर दुकानदार ने पूछा कि कितने चाहिए, मैंने कहा कि 3 चाहिए। फिर दुकानदार ने पूछा कि डोर में लगाना या खिड़की में लगाना, मैंने कहा कि नहीं फाइटर प्लेन में लगाना है। अब दुकानदार मेरे बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और फिर उसने मुझे कुछ इस तरीके से देखा। अब ज्यादा फोर्स किया तो बोलता है कि देसी हूँ, गवार नहीं, हमेशा ट्रेंडिंग में रहता हूँ। चलो इनका अपना अपना होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई पाकिस्तान से बेशर्मी की हद को पार करके अभी तक इस वीडियो को देख रहा है
तो आके जरा समझाओ दुकानदार को कि ऐसा भी होता है और ऐसा पाकिस्तान में किया जाता है। वैसे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि JF-17 इतना सस्ता क्यों है। सोचो एक JF-17 का कैनोपी इंस्टॉल करने में कितना खर्चा होता होगा, 150 रुपया। और यहाँ पर एक कार की खिड़की टूट जाए तो 2,500 से 3,000 लग जाते हैं। वैसे अगर टेक्निकली इस पर बात करें तो JF-17 वो एयरक्राफ्ट है जिसको चाइना की इंजीनियरिंग कॉलेज के उन बैक बेंचर्स के द्वारा अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पर डिजाइन किया गया था, जिनको अपनी इंजीनियरिंग पूरा करने के लिए 15 साल लग गए थे। अब इसे कोई और खरीदने वाला नहीं था और चाइना ने सोचा कि चलो इनको सस्ता चाहिए तो इन्हीं को ही चिपका देते हैं। और इसी वजह से चाइना की तरफ से कभी भी इनका इस्तेमाल अपनी एयरफोर्स में नहीं किया गया था और एक बार भी JF-17 को गलती से भी अपनी एयरफोर्स में शामिल नहीं किया गया। समझ रहे हो ना? या फिर इसकी एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि इजी मेंटेनेंस के लिए चाइना वालों ने इसे ऐसे बनाया होगा क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि अगर वो कोई नई टेक्नोलॉजी दे देते हैं तो ये पाकिस्तान के इंजीनियर उनके मैकेनिक्स के दिमाग में आने वाला नहीं है, तो इसका सर्विस वो लोग सही से नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसे छोटे छोटे काम के लिए वो प्लेन को पाकिस्तान से चाइना लेके जाएंगे तो 2 से 3 बार में प्लेन की यूनिट कॉस्ट से ज्यादा खर्चा ट्रांसपोर्टेशन में लग जाना है। तो हो सकता है चाइना वालों ने इसे प्रैक्टिकलिटी को और अपने कस्टमर्स की औकात और कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। बाकी अगर आजकल की फाइटर जेट की बात करें, और फाइटर जेट तो छोड़ो, ट्रेन एयरक्राफ्ट में भी आजकल ऐसे डिजाइन नहीं होते, और 70s के दौर में जो मिग हुआ करते थे उनमें भी इनसे बेहतर इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे प्रैक्टिकली प्राइस कम करने के लिए शायद यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से सस्ते वाले डोर इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया होगा। लेकिन इस एयरक्राफ्ट की बाहरी लुक से धोखा मत खाइए क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक इंटरगैलेक्टिक एयरक्राफ्ट है और इनको एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाने के लिए डिजाइन किया गया है और स्पेस वॉर को लड़ने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, जहाँ पर इनको वार्म होल से लेके या फिर ब्लैक होल के बीच से होते हुए जाना पड़ता होगा। तो हो सकता है हम जिस बात को लेके यहाँ पे मजाक कर रहे हैं वो कोई एलियन टेक्नोलॉजी हो या फिर जिन हिंजेस का इस्तेमाल यहाँ पे JF-17 की कैनोपी को उनकी बॉडी के साथ अटैच करने के लिए किया गया है वो एडामेंटियम, वाइब्रेनियम या फिर ऐसे कोई एलियन धातु से बनाया गया होगा, क्योंकि जब ये लाइट की स्पीड से या फिर उससे ज्यादा रफ्तार में स्पेस में ट्रेवल करता होगा तो मे बी हमारी टेक्नोलॉजी इसमें काम नहीं करता होगा। समझ रहे हो? लेकिन फिर भी अगर आप सभी को कहीं पर भी इस वीडियो के दौरान कोई भी JF-17 वाला कमेंट सेक्शन में दिख जाए तो उसका मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना है, क्योंकि ये वही एयरक्राफ्ट है जिसमें टोनी स्टार्क को एंडगेम में वापस धरती में लाया गया था और ये वही एयरक्राफ्ट है जिसकी डर से थानोस धरती पर दूसरी बार आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। और अभी तो पाकिस्तान की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक वो इसकी प्रोपल्शन सिस्टम को भी अपग्रेड करते जा रहे हैं जिसमें उनकी पूरी पावर सिस्टम इको फ्रेंडली होने वाली, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए थॉर की हैमर का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका कहीं पर भी राफेल के साथ कंपैरिजन नहीं बनता है। और इंडियन एयरफोर्स तो क्या, यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स में भी कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है जिसके साथ इसको कंपेयर किया जा सके, क्योंकि इस कवाड़ को राफेल तो क्या 50 साल पुराने पिस्टन ड्रिवन एयरक्राफ्ट के साथ भी कंपेयर करने को बैठेंगे तो वो एयरक्राफ्ट भी एक बार को इंजन से बाहर आके बोलेगा बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। और हाँ, मुझे भी बुरा लगता है जब बिना वीजा के लोग आके यहाँ पे कमेंट करके चले जाते हैं और डिसलाइक मार के चले जाते हैं, लेकिन हमारे अपने लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक तक नहीं करते हैं, तो इससे ज्यादा बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तकलीफ ये है मोदी जी की वीडियो खत्म हो गया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।